दो तस्वीरों को साथ में रखकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। एक तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू एक कुत्ते के साथ हवाई जहाज से उतरते हुए दिख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में कुछ खिलाड़ी नंगे पांव खड़े दिख रहे हैं। इसे इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के पास पहनने को जूते तक नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू का कुत्ता तक हवाई जहाज में सफर करता था। फेसबुक पर यह दावा खूब वायरल है। 2018 में भी ऐसी ही तस्वीरें शेयर करते हुए ऐसे ही दावे किए जा रहे थे और कहा जा रहा था ऐसे थे नवाबों के ठाट। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों तस्वीरों की। क्या यह सच है कि 1948 के लंदन ओलंपिक्स में वाकई भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी नंगे पांव खेले थे? ऑल्ट न्यूज ने पाया कि यह बात सच थी। फ्रंटलाइन के एक आर्टिकल में हमें एक तस्वीर दिखी जिसमें तालिमेरेन आओ, जो कि भारत के पहले फुटबॉल कप्तान थे, वो फ्रेंच टीम के कप्तान जी रॉबर्ट के साथ हाथ मिला रहे थे। वहीं अगर नेहरू की तस्वीर के बारे में बात करें तो ये हमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की वेबसाइट टाइम्स कंटेंट में मिली और यहां बताया गया था कि ये जनवरी 1961 के आसपास का दृश्य है। यानी तस्वीरें सच्ची हैं भले ही उनकी टाइमलाइन अलग है। लेकिन क्या ये दावा सच्चा है कि आर्थिक सहायता न मिलने की वजह से फुटबॉल खिलाड़ियों को नंगे पांव खेलना पड़ता था? अब इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम को 1948 के ओलंपिक के सिलेक्शन से पहले दो ट्रायल मैचेस खेलने पड़े थे। 7 मई 1948 की रिपोर्ट में लिखा हुआ था, लंदन ओलंपिक के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के चयन के लिए होने वाले दो ट्रायल मैचों में से पहला मैच आज दर्शकों से खचाखच भरे कलकत्ता के FC मैदान पर खेला गया। भारी बारिश से मैदान खराब हो जाने के कारण सभी खिलाड़ी जूते पहनकर मैदान में आए। यानी ये रिपोर्ट साफ करती है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सभी खिलाड़ियों के पास फुटबॉल खेलने के लिए जूते थे। फिर सवाल ये उठता है कि वो नंगे पैर खेल क्यों रहे थे? इसका जवाब मिलता है 1 सितंबर 1948 के ब्रिटिश अखबार बर्मिंगहम डेली गैजेट में। 31 अगस्त 1948 को भारत और बोल्डमेयर सेंट माइकल्स FC के बीच मैच के बारे में रिपोर्ट करते हुए खेल पत्रकार जॉन कैम्पकिन ने लिखा था, भारतीयों को निसंदेह जूते और मौसम की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आमतौर पर उन्होंने हर मैच में 4 गोल किए होंगे, लेकिन जूतों की वजह से टेढ़े मेढ़े पास व गीले मैदान में न खेल पाने का अनुभव परेशानी का कारण बना। यहां से 2 बातें मालूम चलती हैं। पहली ये कि भारतीय खिलाड़ियों के पास 1948 के टूर पर जूते थे और दूसरी ये कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी नंगे पैर खेलने के आदी थे, इसीलिए उन्हें जूते में खेलने में दिक्कत होती थी। पत्रकार जयदीप बसु ने अपनी किताब स्टोरीज फ्रॉम इंडियन फुटबॉल में भारतीय फुटबॉल कोच BD चैटर्जी का एक बयान लिखा है। ये बयान 16 जुलाई 1948 को मेट्रोपॉलिटन पुलिस के खिलाफ खेले जाने वाले प्री ओलंपिक फ्रेंडली मैच के दौरान रॉयटर्स को दिया गया था। भारतीय फुटबॉल कोच BD चैटर्जी ने कहा था, खिलाड़ियों के पास जूते थे और अगर मैदान में नमी के कारण उन्हें जरूरत पड़े तो वो उसे पहन सकते थे, लेकिन वे नंगे पांव खेलना ज्यादा पसंद करते थे। ऑल्ट न्यूज ने जयदीप बसु से संपर्क भी किया। उन्होंने हमसे कहा, मेरी किताब के जिस चैप्टर में नंगे पांव फुटबॉल खेलने के बारे में लिखा है वो मैंने भारतीय फुटबॉल कोच BD चैटर्जी के रॉयटर्स को दिए गए बयान की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा था। जो भी अफवाह आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल बकवास है। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी उन दिनों नंगे पांव ही खेलते थे। उन्होंने 1948 ओलंपिक, 1951 एशियाई खेल और 1952 ओलंपिक नंगे पांव ही खेले थे। 1952 के ओलंपिक के बाद जब भारत को यूगोस्लाविया ने 10-1 से हराया था, तब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने महसूस किया था कि उन्हें जूते पहनने चाहिए। भारत में कुछ एक को छोड़कर जूते पहनकर खेलना किसी को पसंद नहीं था और फीफा का नियम भी बाद में आया था जिसमें कहा गया था कि जो भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेलता है उसे जूते पहनकर ही खेलना पड़ेगा। यहां तक कि 1911 में भी जब मोहन बागान ने ऐतिहासिक IFA शील्ड जीती, उस समय भी एक खिलाड़ी नंगे पांव ही खेला था। रोनोजॉय सेन ने अपनी किताब नेशन एट प्ले अ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया में लिखा था, भारतीयों के लिए जूते पहने हुए फुटबॉलर्स के खिलाफ नंगे पांव खेलना कोई मामूली काम नहीं था। असल में बिना जूते पहने खेलने से उनके कौशल को बढ़ावा मिलता था। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी मन्ना ने प्रिंसेस मार्गरेट को भी यही बताया था कि बिना जूते पहने फुटबॉल को नियंत्रण में रखना आसान होता था।